दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर की तस्करी होती है? आप सभी जानते हैं कि वैसे तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी स्मगलिंग की जाती है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी जानवर की स्मगलिंग होती है तो उसका नाम है पेंगोलिन। यह अफ्रीका और एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। वहीं इस जानवर को भारत में सलू सांप कहा जाता है। जहाँ ये निवास करते हैं उनको तेज़ी से नष्ट किया जा रहा है, यानी कि जंगलों को तेज़ी से काटा जा रहा है और अंधविश्वासी प्रथाओं के चलते भी इनका अक्सर शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से पेंगोलिन भी सभी जातियां धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। पश्चिमी देशों में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब वहाँ ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जानवर की तस्करी के लाखों डॉलर के अवैध धंधे में शामिल हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंगोलिन की बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है, लेकिन कुछ इसके चाहने वाले हैं जो इसे बचाना चाहते हैं। पेंगोलिन एक चींटीखोर जानवर है जो इस धरती पर स्तनधारी और रेप्टाइल यानी सांप छिपकली जैसे जानवर के बीच की कड़ी है। पेंगोलिन एशिया और अफ्रीका के कई देशों में पाए जाते हैं। साथ ही इसके ऊपर ब्लेडनुमा प्लेट्स की परत होती है। साथ ही इसकी चमड़ी पर लगी ये प्लेट बेहद मजबूत होती है। ये इतना मजबूत होती है कि अगर शेर या चीता भी इस पर अपने दांत गड़ा दे तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस जानवर को किसी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये खुद बहुत शर्मीले मिजाज का होता है और भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना पसंद करते हैं। ये जानवर ज़्यादातर अपने बिलों में ही रहना पसंद करते हैं या फिर खोखले हो चुके पेड़ों की अपना बिल बनाते हैं। वहीं ये जानवर रात के समय में ही अपने खाने की तलाश में बिल से बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि इनके बचाने की मुहिम में जुड़े लोग भी पेंगोलिन को कम ही देख पाते हैं, लेकिन शिकारियों की नज़र से ये खुद को नहीं बचा पाते। वो इसके पैरों के निशान का पीछा करते हुए इनके बिल तक पहुंच जाते हैं। चीन और हांगकांग में इनकी सबसे ज़्यादा तस्करी होती है। साथ ही चीन का गुआंगडांग प्रांत तो जंगली जानवर के गोश्त से बने पकवानों के लिए मशहूर है। वहीं हांगकांग से गरीब होने और कॉस्ट का सिस्टम ढीला होने से यहां बहुत आसानी से जानवरों की तस्करी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही और भी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ।